दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी फैमिली की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे हाउस टूर वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आप सब लोगों ने उस वीडियो को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, एंड ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि हमने अपना घर US में किस तरीके से प्लान करके खरीदा। प्रिया, शेयर करो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। सो हेयर वी आर, मैंने फिर से इनको बुलाया है बिकॉज ही इज़ द मैन जिन्होंने सारी प्लानिंग की थी। आई वॉज बिहाइंड हिम। सो आपको पूरा गाइड ये करेंगे कि हमने किस तरीके से अपना घर प्लान करके खरीदा, क्या क्या प्रोसीजर्स थे, क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग भी US में फर्स्ट टाइम होम ओनर्स बने हैं इस बार। हमने इस घर को खरीदने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं उनमें जो सबसे पहला स्टेप था वो अपना था माइंड मेकअप करना। हम लोगों ने सबसे पहले अपना माइंड बहुत टाइम से मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था कि हम लोगों को एक घर चाहिए है और इस बार वो रेंटल प्रॉपर्टी नहीं होगी, हम लोग उस घर को खरीदेंगे। माइंड मेकअप करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। एक्चुअली माइंड मेकअप करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आपके बच्चे होते हैं तो बच्चों की भी कहीं ना हिंज पॉइंट बनना स्टार्ट होता है, मेमोरीज क्रिएट होना स्टार्ट होती है। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में इधर से इधर मूव करते रहते हैं तो बच्चों की कहीं ना वो मेमोरी कहीं ना कहीं वो खो जाती है। तो हमें था कि हमारा एक बच्चा हो चुका है, अब हम वी आर प्लानिंग फॉर द सेकेंड वन, सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ किड्स मेमोरीज ऑल्सो। तो हम लोग एक घर खरीदेंगे और जब भी घर खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके खरीदना है। कई लोग होंगे जो हो सकता है दे कैन अफोर्ड टू बाई मल्टीपल हाउसेस, लेकिन यार हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास हैं, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक घर हो जाए। तो हम लोग हमेशा एटलीस्ट अगर आपके पास 4 से 5 साल एक शहर में रहने का है प्लान, एक जगह पर रहने का प्लान है, तो आप घर की तरफ जरूर सोचिए, क्योंकि तब आपको रेट ऑफ रिटर्न या एटलीस्ट आप अपने जो आप इन्वेस्ट करोगे घर पर आप उसके एंजॉय कर सकते हो। 1 या 2 साल के लिए आई डोंट थिंक सो इट इज टू मच एडवाइजेबल, बाकी पर्सनल चॉइस भी होती है। हमने माइंड मेकअप करना ऑलमोस्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। हम लास्ट ईयर से ही प्लान कर रहे थे कि हमें घर खरीदना है, एंड हम यू नो काइंड ऑफ आप एक पिक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो कि हमें इस टाइप का घर चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं घर के साथ। सो वो सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में स्टार्ट हो गई थी। तो माइंड मेकअप करने के साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बैकग्राउंड रिसर्च। ये सेकेंड स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो जब छोटा मोटा सामान भी खरीदते हैं तो उसके लिए कितना गूगल पे पढ़ते हैं, मतलब अगर आपको कोई भी सामान लेना है। फिर घर जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो फॉर श्योर मेक श्योर कि आप अच्छा चंक ऑफ टाइम लें रिसर्च करने में। एंड बाय रिसर्च आई मीन अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, फैमिलीज, जो मिले, जो भी होम ओनर रहा हो आप उनसे एक बार बात करिए, पूछिए। बिल्कुल सिली क्वेश्चंस होते हैं चलेगा, आपने घर कैसे लिया, क्या क्या क्राइटेरिया थे आपके, आपको क्या डिफिकल्टी आई, अच्छा आपने उस प्रोसेस में क्या होता जिससे आपको बेनिफिट मिलता, क्या और होता, इस टाइप के आप क्वेश्चन जब पूछना शुरू करते हैं तो आप उस प्रोसीजर को समझना शुरू करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है बट काफ़ी इन्वॉल्व है, तो आप उससे समझने जाते हैं कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या नहीं एक्सपेक्टेड है। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं आपको बैकग्राउंड रिसर्च से। बैकग्राउंड रिसर्च के साथ फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ पर आप अपना घर लेंगे, राइट? इसके भी दो हमारे लिए क्राइटेरिया थे। फर्स्ट वन वॉज स्कूलिंग, हमारा था कि अब हमारा बच्चा है ऑब्वियसली ही विल गो टू द स्कूल, एंड US में अगर आपको पता होगा तो स्कूल्स बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड रहते हैं। तो जो आपका करंट एड्रेस है उस डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल आता है आपका बच्चा उसी स्कूल में जाएगा, और कोई स्कूल में वो नहीं एडमिशन ले सकता है। सो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था कि स्कूल बेस्ट होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग दैट वी सर्च्ड फॉर इज द बेस्ट स्कूल्स। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहां पे आपको स्कूल की रेटिंग मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है greatschools.org, और बाकी आप अपने कलीग्स से, अपने फ्रेंड्स से जिन्होंने आसपास के एरिया में घर लिया होगा उनसे भी बात करिए कि कौन सा स्कूल बेस्ट है, कौन सा एरिया हमें देखना चाहिए। एंड सेकंड क्राइटेरिया वाज कम्यूट। कम्यूट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल अच्छा है लेकिन उस एरिया से अगर मेरा ऑफिस 2 घंटे की ड्राइव पर है तो समर्स तो फिर भी एक बार चल जाएगा, विंटर्स में स्नो के साथ मैं 2 घंटा एक तरफ ड्राइव नहीं कर सकता, कम्यूट ही नहीं कर पाऊंगा मैं। तो हम लोग कहता कि मैक्सिमम 40 मिनट्स कम्यूट मेरा ऑफिस रहे
और स्कूल बढ़िया रहे। अच्छा, स्कूल्स के लिए सिर्फ रेटिंग्स के अलावा भी आप उनके रिव्यूज़ देखिएगा। वो लोग मैथ्स में, साइंस में, आर्ट्स में, अलग अलग स्कूल की अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है। तो आपको क्या पसंद है, आपने बच्चों को किस एरिया में और एक्सपोजर देना चाहते हैं, वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी, अब हमने अपनी बैकग्राउंड रिसर्च कर ली, हमने अपना पूरा माइंड मेकअप कर लिया कि हमें घर खरीदना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था वो ये था कि हम घर कितने का खरीद सकते हैं, कितना महंगा घर हम अपनी फैमिली के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम लिमिट होती है, अगर आप जैसे हम लोगों ने अपने घर को फाइनेंस करवाया है, तो फाइनेंस करवाने के लिए आप कितने तक का लोन ले सकते हो, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली इनकम, द मैक्सिमम लिमिट। तो इस कितना मैक्सिमम जाएगा, इसके लिए आप ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मॉर्गेज कैलकुलेटर करके हैं, आप वहाँ पर अपनी फैमिली इनकम डाल सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपको मैक्सिमम कितने तक का लोन मिलेगा ये आप देख सकते हैं। या फिर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे इस केस में मैं अपने वेल्स फार्गो बैंक के पास गया, वहाँ पर होम मॉर्गेज कंसल्टेंट थे, वी टॉक टू देम, इनफॉर्मल था, फॉर्मल सेशन नहीं था, एंड उन्होंने हम लोग को बताया कि आप मैक्सिमम इतने तक का घर देख सकते हैं। सो वी न्यू व्हाट इज गोइंग टू बी आवर मैक्सिमम लिमिट जब हम लोग घर की देख सकते हैं। अच्छा, एक बार हमारा बजट सेट हो गया, उसके बाद हमने बहुत सारी डिस्कशंस करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनाई। बेस्ड ऑन आर बजट एंड रिक्वायरमेंट्स वी डिसाइडेड टू गो फॉर टाउन होम, सो दैट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक्सटीरियर मेंटेनेंस का बर्डन एकदम से ना पड़े, बिकॉज वी आर द फर्स्ट टाइम होम ओनर्स एंड हमें बहुत अभी लिमिटेड नॉलेज थी घरों की, सो वी थॉट ऑफ बाइंग अ टाउन हाउस देन एन इंडिपेंडेंट और कॉन्डो हाउस। नाउ कम्स द स्टेप जिसने हमारी एक्चुअली में चप्पल घिस दी, वो होता है सर्चिंग फॉर योर ड्रीम हाउस। चप्पल है, जूते सब घिस गए। तो सर्च स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया, आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप अपने अकाउंट बनाइए, Zillow.com जो मैंने यूज़ करी, रेडफिन मैंने यूज़ की, कोल्डवेल बैंकर और ट्रूलिया, इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये सारी जो वेबसाइट्स हमने अभी बताई हैं, नीचे अभी लिस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट क्रिएट करिए और सर्च क्राइटेरिया में जाके जो जो रिक्वायरमेंट है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, नंबर ऑफ बाथरूम्स, बेसमेंट चाहिए कि नहीं, गैराज चाहिए, कितनी कार का गैराज चाहिए, कंस्ट्रक्शन किस टाइप की, देर आर न्यूमरस सर्च क्राइटेरिया, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स पर, एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग इन द पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, कुछ कुछ वेबसाइट्स बड़ी पर्टिकुलर है, आई थिंक रेडफिन इस मामले में, कि यू कैन ऑल्सो सर्च बाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको पता है कौन सा स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छा है तो आप उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट पर भी सर्च कर सकते हैं कि उस वहाँ पे कौन कौन से घर अवेलेबल हैं। हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड शॉर्ट लिस्टिंग हाउसेस बेस्ड ऑन आर बजट एंड रिक्वायरमेंट्स। एक पॉइंट यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी फोटोज का, कि कभी भी ना फोटोज देख के ओवर एक्साइट मत हो जाना, अरे वायो यार ये तो हाउस बड़ा अच्छा लग रहा है, कमरे कितने बड़े हैं, किचन कितनी बड़ी है, बिकॉज रियलिटी इज फार फार अवे फ्रॉम द फोटोज, बिकॉज फोटोज ना हमेशा फोटोशॉप्ड रहती है और हमेशा स्टूडियो से खिंचवाई जाती है, तो फोटोज उस एंगल से ली जाती है कि आपको लगेगा वाओ यार रूम तो बहुत बड़ा है, वाओ यार लिविंग रूम तो बहुत बड़ा है और बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा है, फोटोशॉप्ड रहती हैं सारी फोटोज। तो जब तक आप घर देख ना लो ना, अपने मन में कोई खुशी मत लाना कि ये घर बहुत सुंदर है और यही मैं खरीदने वाला हूं, तो पहले रियल फोटोज को और रियलिटी को हेरेंट हो जाने देना, घर को एक बार, दो बार, तीन बार जाके टूर करना, उसके बाद अपना मन उस घर के लिए बनाना। तो जो आपकी जो फर्स्ट राउंड ऑफ जो सर्च और शॉर्टलिस्टिंग है, इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, इसमें से 5 से 10 घरों को आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, देन यू फाइंड एन एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट लें। हमने क्या किया, हमने अपने फ्रेंड से बात करी, समवन सजेस्टेड अस, उसके बाद मैंने उसके रिव्यूज पढ़े जाके, फिर मैंने एक आध एक्चुअल में उसके अलावा भी और फ्रेंड से बात करी जिसने उसके थ्रू घर लिया था, वी फाउंड आउट, और तब मैंने उस एजेंट को, एजेंट से बात करी कि भाई हम लोग को घर लेना है और ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखी है। नाउ ये एजेंट का काम है कि वो ओनर्स या ओनर के एजेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके टाइम सेटअप करेगा जब आप जाके उस घर को देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो कोई एक दिन या 2 दिन में आपको 5 to 10 properties आराम से दिखा देगा।
जब आप घर देखने जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम आप घर में जाएंगे 10 से 15 मिनट आपको मिलते हैं टिपिकली घर को देखने के लिए। उस 10 से 15 मिनट में, जैसे कहा प्रिया ने, फोटोज को एक्चुअल जो आपकी रियलिटी है कंपेयर करके देखिए। मैं जैसे घर में घुसती थी, मेरा बड़ा मन करता था कि मैं एक पूरी सीरीज बनाऊं एंड घर के टूर्स आपको कराऊं यहाँ पे, बट 10 से 15 मिनट में मैं खुद भी घर नहीं देख पाती थी, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाती थी। बट यस, 10 to 15 मिनट्स, एंड और लोग वेट कर रहे होते हैं, अगर हॉट डील वाली प्रॉपर्टी होती है तो बहुत टूर चल रहे होते हैं। सो या जल्दी जल्दी घर देखना रहता है, और ऑब्वियसली फोटोज को रियलिटी के साथ कंपेयर करना रहता है, माइंड में फोटोज बनानी पड़ती हैं, जिससे कि करेक्ट। हम बाद में आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर पाएं कि घर कैसा लगा हमें एक्चुअली में। मेक श्योर जब आप घर देखने जाएं तो डेलाइट रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलाइट में घर की एक नेचुरल फील आती है मेरे हिसाब से। किसी ने मुझसे पूछा था कि हमारा घर जो हमने देखा था वो हमने वास्तु के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन वगैरह में लिया है, हमारा घर ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। आफ्टर फर्स्ट राउंड आपका एजेंट भी आपकी रिक्वायरमेंट समझता है, वो भी आपको लिस्टिंग्स भेजता है, आप भी ऑनलाइन देखते रहिएगा, जो आपको और पसंद आते हैं उनके लिए आप देखने जा सकते हैं फिर से। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट काम होता है इस बीच में वो होता है प्री अप्रूवल लेटर लेना। तो आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्री अप्रूवल लेटर लेना पड़ेगा, जो कि बताएगा कि आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग है उस प्रॉपर्टी को खरीदने की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। जब आपको घर पसंद आएगा और आप उसके ऊपर ऑफर डालेंगे तो ये प्री अप्रूवल लेटर डालना मैंडेटरी है। टिपिकली इसकी वैलिडिटी 120 डेज रहती है इस लेटर की। तो आपने एक बार लेटर बनवाया तो विद इन 4 महीने अगर आपने को कोई घर मिल गया, ठीक है, नहीं तो कई बार जो आपका फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो उसको एक्सटेंड कर देता है या रिन्यू करके आपको देता है। हमारे सर्च क्राइटेरिया में नेक्स्ट स्टेप तब आया जब हमें फाइनली हमारे बजट और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा ये वाला घर हमें पसंद आ गया था। और नेक्स्ट स्टेप था इस घर के लिए ऑफर डालना। तो जो फॉर्मल ऑफर लेटर है वो हमारे एजेंट ने हमारे बिहाफ पे तैयार किया था। और एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे आपको एजेंट को कुछ पे नहीं करना पड़ता, एज अ बायर इट इज ऑल टेकन केयर ऑफ बाय द सेलर इटसेल्फ। ऑफर डालने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनमें से पहला था कि सेल प्राइस, तो क्या करेक्ट प्राइस है। तो हम लोगों ने थोड़ी ऑनलाइन अपनी सर्च करी कि इस एरिया में पिछले कुछ महीनों में जो घर बिके हैं उनकी क्या प्राइस रेंज रही है, इस एरिया का टिपिकली पर स्क्वायर फुट का क्या प्राइस है। तो थोड़ा बहुत ऐसे रिसर्च किया, फिर हम लोगों ने अपने एजेंट से भी पूछा कि यहाँ पर करेक्ट प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत नेगोशिएशन तो होते ही हैं बाद में। वंस वी डिसाइडेड ऑन द ऑफर प्राइस, उसके बाद उसमें था क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग मतलब जिस दिन आप फाइनल डील करोगे घर की। तो ऑलवेज बजट इन सम टाइम, क्योंकि आपके जो मॉर्गेज के जो पेपर्स हैं उनको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। हम लोगों ने टिपिकली करीब 1.5 महीने का टाइम रखा था अपने में ताकि स्मूथली सारा काम हो जाए। ऑफर डालने के बाद वही होता है कि आपके चेन ऑफ नेगोशिएशंस होते हैं आपके सेलर के साथ, टू एंड फ्रो बातें होती हैं। इस दौरान हमने टू विजिट्स भी लिए थे घर के, क्योंकि यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, ब्लाइंडली बस 10-15 मिनट की विजिट करके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो आई आस्क्ड अंशुल कि यार एक बार हम एजेंट को बोलते हैं कि हम एक बार सेकेंड विजिट करना चाहते हैं घर की, जिससे कि हम डिटेल में और क्लोजली घर का फील ले पाए, देख पाए और अपना माइंड और पक्का कर पाए कि नहीं हमें ये प्रॉपर्टी ही चाहिए। तो और सेकेंड विजिट टिपिकली अगर आप जैसे आप ऑफर नेगोशिएशन में चल रहा है तब वहाँ पर लिमिट्स नहीं रहती कि 10 मिनट 15 मिनट। हम लोगों ने अपना टाइम लिया आराम से आधे घंटे का, घर को समझा, और जब नेगोशिएशंस पूरे हो गए, जब हम लोग की डील हो गई, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ होम इंस्पेक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग एन ओल्ड प्रॉपर्टी जो बिल्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी आपका बैकग्राउंड रिसर्च बहुत काम आता है, जितने आपने कलीग से जितने फ्रेंड से बात करी है उन्होंने भी ऑब्वियसली अपने प्रॉपर्टी का होम इंस्पेक्शन कराया रहेगा। तो आप एक बेस्ट होम इंस्पेक्टर को चूज करो, अगेन जो भी आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स ने आपको बताया है, ऑनलाइन आप सर्च करो जो आपको लगता है कि बेस्ट इंस्पेक्टर है, उसके रिव्यूज जाकर देखो, उनके इंस्पेक्शन के क्राइटेरियाज देखो, एंड बेस्ड ऑन दैट आप एक इंस्पेक्टर को सिलेक्ट करो जो आपके लिए आपके घर का होम इंस्पेक्शन करके देंगे। और होम इंस्पेक्शन के टाइम पर मेक श्योर कि आप भी जाइए, आप वहां पे प्रेजेंट रहिए। होम इंस्पेक्शन में हमारे घर में करीब 2.5 घंटा लगा था, पूरे टाइम पर मैं इंस्पेक्टर के साथ था। एंड क्योंकि कई सारी चीजें होती जो आपको नहीं पता होती है एज एंड अ यू फर्स्ट डोंट टाइम। वांट अ सरप्राइज इन योर हाउस जब आप करेक्ट, लोग यहाँ रहना स्टार्ट करेंगे। राइट राइट। तो जब होम इंस्पेक्टर कर रहा तो उसके साथ मैंने बहुत सारी चीजें खुद से समझी, मैकेनिकल और इन सब की चीजें कैसे रहती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
जब आपका होम इंस्पेक्शन पूरा हो जाएगा उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर आप मूव फॉरवर्ड या मूव आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, आप देखते हैं कि घर में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां तो देखिए अगर ओल्ड घर है तो उसमें मिली जाती हैं, उसके बेस पे आप नेगोशिएट करते हैं सेलर के साथ कि सेलर या तो उसको सही करा के देगा उन चीज़ों को, या आपको क्लोजिंग के टाइम पे उन चीज़ों का क्रेडिट दे देगा आपको। अच्छा, होम इंस्पेक्शन तो हो गया, आपने घर के बारे में अंदर से तो समझ लिया, बट बहुत जरूरी है कि आप जिस एरिया में आ रहे हो आप उसको भी समझो, उस लोकेलिटी को भी समझो। तो हमने क्या किया था, हम यहाँ पे आते थे अपने नेबर्स से बात करने कि भाई किस तरीके की प्रॉपर्टी है, कैसा है यहाँ पे सराउंडिंग्स, बच्चों के लिए कैसा है। सिंस हमने देख लिया था स्कूल्स की रेटिंग अच्छी है, फिर भी हमने अपने नेबर्स से भी पूछा कि भाई आप लोग कितने साल से रह रहे हो, यहाँ के स्कूल्स कैसे हैं, जस्ट टू यू नो फुल प्रूफ लगाने के लिए बातों को कि यार जो हम प्रॉपर्टी, जो हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेफर साइड पे हो और वो बेस्ट जाए हम लोगों के लिए। सो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप आसपास के नेबर्स से बात करो आके। राइट, और हमेशा अपनी रिसर्च उसके बाद भी कंटिन्यू रखिए उस पर्टिकुलर घर से फोकस। जैसे फ्लड का रीजन तो नहीं है कि आप पे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इस बेसमेंट है और इस रीजन में फ्लड आती हो तो पानी आपके बेसमेंट में आ जाए, एग्जांपल जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको रिसर्च अपनी प्रॉपर रखनी चाहिए। और एक बार आपने ये सब कर लिया, आपके नेगोशिएशंस फाइनल हो गए बेस्ड ऑन होम इंस्पेक्शन, आपको अभी भी घर पसंद है, तब आपका इसको इस पूरे पीरियड को रिव्यू पीरियड बोलते हैं। रिव्यू पीरियड सक्सेसफुली क्लोज होता है और देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर फाइनेंसेस फॉर द फाइनल क्लोजिंग डे। या दैट इज द टाइम जब आप थोड़ा सा माइंड से रिलैक्स हो जाते हो कि ठीक है अब सब कुछ इन प्लेस है, नाउ इट्स द टाइम जो फाइनेंसेस संभालेंगे वो ये है। तो आप बताओ कि क्या था। तो नेक्स्ट स्टेप फाइनेंसेस का, हम लोगों ने जो अपने घर को फाइनेंस करवाया है वो वेल्स फार्गो के थ्रू कराया, क्योंकि मैंने अपनी सारी बैंकिंग उन्हीं के साथ करी है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरा मन नहीं था कि मैं किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर के पास जाऊं, क्योंकि आप लोगों को ये बात मुझे नहीं पता कितना पता है, बट जैसे हम लोग आप मॉर्गेज लेते हैं तो आपके जो घर के जो पेपर्स हैं ओरिजिनल टाइटल है वो बैंक के पास रहते हैं, बैंक उन पेपर्स को नहीं रखता अपने पास, वो उनको आगे सेकेंडरी एंड टर्शरी मार्केट में सेल ऑफ कर देता है। तो इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर जितने भी साल में आपने अपना लोन पूरा किया आपके घर के पेपर देगा कहीं पर गुम हो गए, प्रॉब्लम आ गई। तो मेरा मन था कि एक एस्टैब्लिश बैंक है वेल्स फार्गो, उनके पास जाते हैं। और उसके साथ साथ यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग फॉर होम इंश्योरेंस, आपको होम इंश्योरेंस लेनी बहुत जरूरी है। ये पूरा देश इंश्योरेंस पे ही चल रहा है एक्चुअली, बंदा भी, घर भी, गाड़ी भी, सब कुछ इंश्योरेंस पे है। तो घर के लिए भी इंश्योरेंस लेना जरूरी था। करेक्ट करेक्ट, आपको होम इंश्योरेंस के पेपर्स आपके पास होने चाहिए ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग। यहाँ पे डे ऑफ क्लोजिंग वो बोलते हैं जब आप फाइनल साइन करते हो और वो आपके नाम पर घर या प्रॉपर्टी हो ही जाती है, तो उस दिन आपके पास होम इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो आपको होम इंश्योरेंस की कोर्स लेनी है, उनसे बात करना है, तो दिस इज अ होल बिग प्रोसेस। और फाइनल जब क्लोजिंग डे आता है, हम लोगों ने क्लोजिंग डे के एक दिन पहले वॉक थ्रू लिया था यहाँ का, जस्ट टू मेक श्योर लास्ट पॉइंट पे भी कि कोई चीज ऐसी फिशी हमें ना मिल जाए घर में फिर भी। और उस दिन भी आपके पास अपना टाइम रहता है, आप कितना भी टाइम लेके घर को देख सकते हो, लाइक हाफ एन आवर, 40 मिनट, जब तक आप अपने पूरा अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो जाओ। तो मैंने एक एक चीज, एक एक अप्लायंस को चला के देखा था जस्ट टू मेक श्योर कि यार कुछ भी फिशी ना हो, हम कल को कल रहने आए घर में और कुछ ऐसा हो जाए जो हमें नहीं चाहिए था। तो जस्ट टू मेक श्योर फाइनल वॉक थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको अपनी चार आंखें खोल के अपने घर को देखना रहता है उस दिन। राइट, एंड देन इट्स अ बिग डे एंड इट्स अ सक्सेस। क्लोजिंग डे, द लास्ट स्टेप इज द क्लोजिंग व्हेन यू रियली स्टार्ट ओनिंग द होम। तो मैंने अपना क्लोजिंग डे का भी वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को। सो या बहुत लंबी रिसर्च के बाद हम अपना ये घर ले पाए थे। आई विश इस टाइप की कोई वीडियो हमें देखने को मिलती, बिकॉज यू नो ऐसे बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं कि किस तरीके से सर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट या हम लोगों ने बहुत ग्राउंड से स्टार्ट किया था एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम मूव करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत लर्निंग हुई इस फेज में हमारी। हमने बहुत कुछ सीखा एंड स्टिल वी आर लर्निंग एज अ फर्स्ट टाइम होम ओनर्स। हम बहुत कुछ सीखते हैं हर रोज कि घर को किस तरीके से क्या करना है। सो या वी आर शेयरिंग आर एक्सपीरियंसेस थ्रू आर वीडियोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज कॉमेंट्स में छोड़िएगा जिससे कि हम और इसके सीक्वल्स बना पाए। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।